हाय गाइस, संजू टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। यमाई का 7A, अगर उसमें डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है तो अपनी लाइट को कैसे सही करते हैं। यमाई फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत आती है, लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। यमाई 7A, 6A, 5A, यमाई गो, Y2, Y1, Y1 लाइट, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसमें लाइट का प्रॉब्लम आता है। आप पावर सब PCB में देख सकते हैं, ये जो हमारा डिस्प्ले का जो है, जो हमारा कम्बो होता है उसका यहाँ पे स्टिक लगता है, जस्ट उसके सामने ही हमारा पूरा लाइट सेक्शन है। ये लाइट सेक्शन है, एक एक पॉइंट जाता कहाँ है सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा और लाइट आप 100% 7A मोबाइल का ठीक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप वीडियो में देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट डिस्प्ले का, ये इस कैपेसिटर में जाता है। तो आप मल्टीमीटर की सहायता से पहले यहाँ से इस दोनों के बीच में आप चेक करेंगे बीप बजर मोड में कि दोनों के बीच में कहीं कट वट तो नहीं है। यहाँ से आप इस रेजिस्टेंस, बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ये छोटे छोटे तीन रेजिस्टेंस के बारे में बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो यहाँ फर्स्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से जॉइंट होता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ पे भी एक मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं यहाँ तक लाइन इसकी जा रही है नहीं जा रही है। कई बार क्या होता है, वाटर डैमेज होने की वजह से यहाँ से ब्रेक हो जाता है इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग जो है नहीं जाती, इसकी वजह से लाइट ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ से यहाँ वोल्टेज मतलब बीप नहीं आ रहा है बजर मोड में, आपस में ये नहीं ज्वाइन है, तो आप एक बार यहाँ से भी चेक कर लीजिए। अगर यहाँ से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से उठा के एक यहाँ पे जम्पर दे दीजिए तो आपका जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है यहाँ पे आने लग जाएगा, तो आपको लाइट बिल्कुल मिलने लग जाएगा। अगर यहाँ से समस्या है तो आपका 100% यहाँ से जम्पर देने से आपका जो है लाइट 100% सही हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है फिर आप लाइट IC, लाइट कॉइल, ये सब आप चेक करेंगे। फर्स्ट चीज़ आप यहाँ से अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे और यहाँ से फिर उसे सही करेंगे। आपको यहाँ से और यहाँ पे एक जम्पर देना है, फर्स्ट वाले पॉइंट से यहाँ लास्ट वाले, ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस पॉइंट पे आप पहले ग्राउंड पे रख के चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ज्वाइंट कर देंगे। और यहाँ से तीसरा और चौथा जो है, ये दोनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इसमें ये लाइनिंग जाती है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन 7A में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइट संबंधित, तो आप डिस्प्ले कनेक्टर से अच्छे से एक जम्पर लगा देंगे उठा के, तो ऑटोमेटिक आपका लाइट आने लग जाएगा। लेकिन लगाने से पहले आप जम्पर टॉर्च या किसी फ्लैश की सहायता से आप चेक कर लेंगे मोबाइल में फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिगर नहीं आ रहा है तो आप फिर यहाँ पे काम करने से कोई मतलब नहीं, पहले आप फिगर को कंप्लीट करिएगा, फिर लाइट नहीं आ रहा फिर यहाँ पे आप जम्पर लगाइएगा। ये चीज़ आप केयर करके फिर आप काम करिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत सारा मेहनत लगता है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन हमारे वीडियो द्वारा मिलता रहेगा, जो भी वीडियो नया बनाएंगे आपके पास जाता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।